उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के गांव बीरपुर थाना में बंदरों का इतना अधिक प्रकोप बढ़ गया है कि सभी गांववासी परेशान हैं। आए दिन बंदर गांव की महिला और पुरुषों व बच्चों को काट खाते हैं, जिसमें गांव बीरपुर में बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी और ना ही वन विभाग अधिकारी इस ओर कोई ध्यान दे रहे हैं, जिसके चलते बीरपुर थाना के गांव वासियों ने एकजुट होकर बंदरों के प्रकोप को बढ़ता देख जिला अधिकारी को लिखित रूप में विरोध जताते हुए शिकायत पत्र देकर बंदरों को पकड़वाने की मांग की है। ग्रामीण निवासी शाकिर हुसैन ने बताया कि बंदरों के आतंक से गांववासी तो परेशान हैं ही, लेकिन यहाँ के किसानों की खेती को भी पूर्ण नुकसान बंदर पहुंचाकर नष्ट कर रहे हैं, जिसमें आज सभी गांववासियों ने एकजुट होकर मुरादाबाद जिला अधिकारी को लिखित रूप से शिकायत कर विरोध जताकर जल्द से जल्द बंदरों को पकड़वाने की मांग की है, जिसमें अब देखना होगा कि यह बंदर इसी तरह से गांव में आतंक मचाते रहेंगे या जल्दी इनका कोई निस्तारण मुरादाबाद प्रशासन निकालता है, या यूं ही कोई ना कोई गांववासी बंदरों का शिकार होते रहेंगे। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकिर हुसैन है। शाकिर भाई, आज आपने गांव में विरोध जाहिर किया है और लिखित रूप में डीएम साहब को शिकायत भी किया है, क्या है पूरा मामला? मामला पूरा ये है कि मैं बीरपुर थान निवासी हूँ, जो कि मुरादाबाद में पड़ता है। यहाँ पर बंदरों का बहुत आतंक फैल चुका है। बंदर आए दिन कोई हादसा कर जाते हैं, बंदरों से आए दिन छोटे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे हैं, बच्चों को काट भी रहे हैं, और अगर बच्चों बंदरों को मारने के लिए अगर हम जाते हैं तो बंदर थोड़ा अपनी उसमें उनकी दिखाते हैं। कई लोग ऊपर छत पर से गिर गए, जिनकी बाँह टूट भी चुकी है और पसली भी टूट चुकी हैं कई सारे लोगों की। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारा डीएम साहब से अनुरोध है कि यहाँ पर एक वन विभाग से कोई टीम भेजें और बंदरों को पकड़वाने की कोशिश करें। अच्छा, ये पहली बार आप शिकायत कर रहे हैं या इससे पहले भी कभी शिकायत की है अधिकारियों से? शिकायत की है, लिखित में शिकायत की है, लेकिन कोई आदेश यहाँ होता नहीं। अब हमारे जो क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य, हमने इनसे शिकायत करी है ये कि भाई आप ही कुछ करिए। अनिल चौधरी से कहा है कि आप ही कुछ करिए, यहाँ पर हमारे बंदरों को पकड़वाने की कोशिश करिए, ताकि हम जो है कुछ आराम महसूस करें। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत आतंक बंदरों का फैल चुका हमारे यहाँ। अच्छा, कितने लोगों को बंदरों ने काट चुके हैं? बंदर लगभग लोग तो बहुत हैं, लेकिन 20-22 लोग तो मेरी नज़र में है जिन लोगों को बंदरों ने काटा है, जिनके इंजेक्शन भी लगाए हैं मुंडा पांडे अस्पताल में। लगभग काट चुके हैं और बहुत बुरी तरीके से काट चुके हैं। अभी हमारे एक और अभी फ़िलहाल में जो मास्टर हारून है, उनकी पत्नी है आसमा बेगम, उनको भी बड़ी बुरी तरीके से बाँव में काटा है, जो उनकी बाँव क्षतिग्रस्त हो गई है। उनके भी इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। हमारी खुद भतीजी को काटा है। यहाँ पर हमारे ऊपर भूरे चचा हैं, उनको भी बुरी तरीके से काटा भी है। बंदर छतों पर से गिरा भी रहे हैं आए दिन। माहौल मतलब जो है बुरा हाल है हमारा यहाँ पर। अच्छा, किस तरीके से आश्वासन अधिकारी देते हैं बंदरों को पकड़वाने आप शिकायत करते हैं तो? मतलब यही है कि ठीक है, हम जो है कोशिश करते हैं और आपको जो है बंदर को पकड़वा लेंगे यहाँ पर, बस यही करते हैं। और कभी अभी तक इसका कोई रिजल्ट हमें मिला नहीं। क्या नाम है चाचा आपका? भूरे। अच्छा भूरे जी, आप क्यों शिकायत कर रहे हैं गांव में? शिकायत ये कर रहे हैं कि मैं छत पर चढ़ा लेटर पर, लेटर पर जब चढ़ा तो मतलब उधर से बंदर भागता है, मुझे आकर और लिपट गए और मतलब चले फिर गिरा दिया जी। मतलब मेरी हाथ भी टूट गई और वैसे भी चोट मेरे बहुत लगी हुई है, बहुत बड़ी परेशानी है बंदरों से। मतलब रोड तक के लिए पकड़ मेरे बंदर। लगभग कितने बंदर हैं आपके गाँव में? 150 बंदर। आपके अलावा कई लोगों को, किस किन किन लोगों को काटा है? हमारे घर में काटा 5-6 को, हमारे घर में। किसी वन विभाग अधिकारी से शिकायत की है आपने? जहाँ डॉक्टर आपसे इलाज कराने के लिए लेके जाते हैं तो डॉक्टर क्या बताते हैं वहाँ? डॉक्टर तो वही इंजेक्शन लगाने और क्या बताने। क्या चाहते हो आप? अब चाहते हैं सर। कोई अधिकारी अब तक आए अपने गांव में तुम्हारे? कोई अधिकारी नहीं आया, मतलब पूछा भी नहीं है। मतलब बंदर कितने हैं, कितने नहीं? बंदर पकड़ जाने चाहिए, बंदर पकड़ने चाहिए, बंदर बहुत नुकसान कर देंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।